दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गोडाउन के बारे में सीखेंगे। अगर आपकी कंपनी मल्टीपल गोडाउंस को मेंटेन करती है तो आप टैली के अंदर में अनलिमिटेड गोडाउंस बना सकते हैं और इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। इंटर गोडाउन में जो भी ट्रांसफ़र होते हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका वेयर हाउस बहुत बड़ा है, उसमें डिफरेंट लोकेशंस बनी हुई हैं, डिफरेंट रैक्स बने हुए हैं, उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी बता देंगे हम आपको कि किस तरह से क्रिएट करना है। बाकी कंप्लीट जो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आप बनाएंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। देखिए, कंपनी जो है मल्टीपल गोडाउंस को मैनेज करती है। हम एक वेयर हाउस को लेकर चल रहे हैं कि जो है ए, उसका नाम रखा हमने ए। उसमें दो लोकेशंस हैं, उनको हम कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेयर हाउस एल बी, लोकेशन एल से हम लोग लोकेशन को लेकर चल रहे हैं, डब्ल्यू ए से वेयर हाउस। सो वेयर हाउस एल ए देन एल बी, लोकेशन बी। देन लोकेशन बी में हमारे पास में दो रैक्स हैं, जैसे कि रैक वन और रैक टू। देन रैक्स के अंदर में भी बिन्स होते हैं, तो बिन्स की कोडिंग की हमने डब्ल्यू ए एल ए आर वन और बी वन। ये बी वन रैक है। तो जब हम इस लेवल तक गोडाउंस को बना देंगे तो मटेरियल की जब इनवर्ड एंट्री करेंगे तो उसको हम यहीं पर स्टोर करेंगे। तो हमें पता रहेगा कि कौन से बिन में कौन सा मटेरियल है। तो ये इस लेवल पे है कि आप बिन लेवल तक की भी अकाउंटिंग टैली के अंदर में कर सकते हैं। इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे ये हम अब करना स्टार्ट करते हैं। टैली ओपन कर लेते हैं और यहाँ से आप गेटवे ऑफ मास्टर से क्रिएट पे जाएं, देन यहाँ से गोडाउन पे आएं। गोडाउन पे आने के बाद में क्रिएट न्यू और अल्टर एग्जिस्टिंग, तो अभी तो हम क्रिएट न्यू ही करें, तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पर नाम लिख दें वेयर हाउस ए। इसकी कोडिंग कर सकते हैं डब्ल्यू ए और ए, इस तरह से आप कोडिंग कर दीजिए। ये मेन लोकेशन के अंदर में रहेगा या प्राइमरी रहेगा, तो ये प्राइमरी रहेगा, इसको प्राइमरी सेलेक्ट करें। इसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं नया अपना लोकेशन, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। पेस्ट, अगर आप यहां पर नाम भी देना चाहते हैं तो वेयर हाउस लोकेशन ए, यहां पर आप इसकी जो कोडिंग है वो कर सकते हैं, इंटर कीजिए और इसको अंडर देंगे आप वेयर हाउस ए, एक्सेप्ट कर लीजिए। सिमिलर तरीके से आप यहां पर बी बना सकते हैं, पेस्ट कर लीजिए और ये कर दीजिए बी, और इसको आप देंगे वेयर हाउस ए के अंडर में। तो आपके पास में दो लोकेशन बन गई हैं। अब उसके अंदर में आपको लेना है रैक, तो अब हम सिर्फ कोडिंग को ही यहां पर डालते हैं। ये है लोकेशन वन के अंडर में, उसके बाद रैक के बाद है बिन, ये जाएगा रैक के अंदर में। सो अब आपको एक चेन पता चल गई है, और जब इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं और यहां से सेलेक्ट करें गोडाउंस, तो आपको एक स्ट्रक्चर पता चल गया। ये मेन लोकेशन है, यहां पर हमारे पास एक गोडाउन है, इसके अंदर में एक लोकेशन है और ये रैक है। यहाँ पर इसके अंदर में ये वाला एक बिन है जहाँ पर एक्चुअल में मटेरियल सेव है। ऐसे ही लोकेशन बी बना हुआ है, इसके अंदर में रैक वन टू थ्री, यहाँ पर भी डिफरेंट रैक्स आएंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे और बिन लेवल तक की अकाउंटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो होपफुली ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा गोडाउन का। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।